गौर से देखिए इसकी आंखों में, इसकी आंखों में दर्द झलक रहा है। अरे भाई थोड़ा एक जगह खड़ा रहना आराम से। गौर से देखिए इस बेचारे को, ये अपनी फैमिली से इतना दूर आके ट्रेडिंग करता है, फिर भी ये अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास सेलफोन नहीं ना है। बताओ ये 21st सेंचुरी चल रहा है एंड माइनक्राफ्ट में सेलफोन नहीं है। अगर इस बेचारे को अपनी फैमिली से बात करना रहा तो ये बात कैसे करेगा बताओ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे इसके लिए। तो आज हम लोग इसके लिए एक आईफोन बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में। अरे ये अंडा कहाँ से आ गया, मैं वेजिटेरियन हूँ, नहीं चाहिए मुझे। तो देखो आईफोन बनाने के लिए हम लोगों को कुछ पार्ट्स चाहिए जो यही कहीं मैंने किसी दुकान में देखा था। हाँ यहाँ पे आईफोन का दुकान है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सही में आईफोन का दुकान है। वो देखो हाँ वहाँ रहा आईफोन वाला दुकान। इस दुकान से हम लोग ढेर सारे डिफरेंट आईफोन पार्ट्स खरीद सकते हैं एंड फिर खुद का एक आईफोन बना सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। और यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, ये रहा गार्ड वन, ये रहा गार्ड टू। ओके दोनों दुकान के बॉडीगार्ड हैं, ठीक है भाई। एंड ये क्या है, रामलाल आईफोन स्टोर। ओके तभी मैं समझा इसका दुकान पूरा लाल लाल क्यों है, क्योंकि इसका नाम ही रामलाल है। चलो देखते हैं इस रामलाल के स्टोर में हम लोगों को क्या क्या चीजें मिलेंगी। हेलो भैया मुझे आईफोन लेना है। ओके इसका पूरा नाम रामलाल स्टीव जॉब्स है, मैंने ही रखा है। ओके रामलाल भैया जी मुझे आईफोन खरीदना है, सस्ता वाला नहीं महंगा वाला। अरे यार ये तो बस हाँ हाँ किए जा रहा है। यहाँ पे ये क्या लिखा है, आईफोन प्राइस 1 किडनी और 5 डायमंड्स। भाई ये बंदा तो सही में लूट रहा है, इसे 1 किडनी या फिर 5 डायमंड चाहिए। अरे यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास तो मेरी अमीरी गरीबी हर गेम के हिसाब से चेंज होती रहती है। पिछली GTA 5 में मैं अमीर था, आज फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं बोल देता हूँ कि मैं गरीब हूँ। यार मैं गरीब हूँ क्या, मुझे सच्ची में किडनी बेचना पड़ेगा। चलो चलो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, किडनी नहीं डायमंड दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन पहले देखने तो दो इसके दुकान में है क्या। इधर तो रेड स्टोन की चीजें हैं और इन सभी में क्या है, ये खाली है, इधर भी खाली है, इधर ओके 15 कॉपर इनगेट है, ठीक है ठीक है। इधर खाली, इधर ये क्या है, बेस ऑफ PCB, अच्छा ये आईफोन बनाने में यूज होगा। ओके एंड आखिरी में 15 गोल्ड इनगेट है। ओके गाइस तो इस दुकान में सब कुछ है जिसकी मदद से मैं आईफोन बना सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इन भाई साहब को 1 किडनी या फिर 5 डायमंड चाहिए। रुक जा मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है, चलो यहाँ से सारा सामान हम लोग लूट के कल्टी मार लेते हैं। वैसे भी ये क्या कर लेगा, हाँ ये तो फेंस में है, चलो सारा कुछ लूट लेता हूँ। रुक जाओ पहले एक ही चीज मैं लूटता हूँ, पहले देखो तो ये विलेजर आखिरकार करता क्या है। अरे देखा, इसीलिए मैं कहता हूँ चोरी करना पाप है। देखो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मुझे डायमंड ढूंढने ही जाना पड़ेगा क्योंकि किडनी तो मैं बेच नहीं सकता। एक किडनी मैंने ऑलरेडी बेच रखा है, दूसरा भी बेच दूंगा ना तो फिर तो मैं टपक ही जाऊंगा। तो चलो यहाँ से अपना सारा सामान लेते हैं एंड चलते हैं डायमंड खोजो अभियान पे। रुक जाओ मेरा ब्रेड कहाँ गया। अरे यार मैंने यहाँ पे ढेर सारा ब्रेड रख दिया था, किसने ले लिया, कहीं तुमने तो नहीं खाया। देखो इस बदतमीज को, और ये हाँ भी बोल रहा है। वैसे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने ब्रेड इसी के भिल्ले से चुराया था। तो अब देखा जाए माइनिंग में कहां से चालू करूं, यहीं से डायरेक्ट नीचे चलना चालू कर दूं। चलो यही करता हूं क्योंकि आज तक ऐसा स्ट्रेट डिगिंग डाउन करते हुए मैं एक बार भी नहीं मरा। देखा जाए क्या आज ये रिकॉर्ड टूटेगा। नहीं, एंड अभी तक तो लग रहा है कि मेरा रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। हम लोग आ चुके हैं लेवल 12 पे, देखा बोला ना आज भी मेरा ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। तो अब चलते हैं डायरेक्ट डायमंड ढूंढने। एंड गाइस ये पहली बार हो रहा है जब मैं माइनक्राफ्ट 1.17 में डायमंड ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं कि आज मुझे कितनी जल्दी डायमंड मिलता है। वैसे तो हमेशा मुझे फटाक से डायमंड मिल जाता है। 3000 years later और मेरा पिकैक्स ऑलमोस्ट टूटने जा रहा है एंड अभी तक मुझे डायमंड नहीं मिला। वैसे तो हमेशा मुझे फटाक से डायमंड मिल जाता है। अरे यार ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, अब मुझे फिर से एक न्यू पिकैक्स बनाना पड़ेगा जो मैं शायद बना नहीं सकता क्योंकि मैंने अपने साथ प्लैंक नहीं लाया है। भाई अब मुझे फिर से वापस ऊपर जाना पड़ेगा। तो न्यू पिकैक्स बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब वापस चलते हैं डायमंड खोजो अभियान पे। तो गाइस फाइनली अब फाइनली जाके हम लोगों को डायमंड मिला है, मेरा सेकंड पिकैक्स भी टूटने को आ रहा है एंड अब जाके मुझे एक डायमंड मिला है। ओके यहाँ पे दो दो डायमंड है और ये देखो ये दोनों तो देखने में डिफरेंट लग रहे हैं। भाई डिफरेंट क्यों है, क्या इससे 1 डायमंड इससे 2 डायमंड मिलेगा, चलो वो तो ट्राई करने के बाद पता चलेगा। एंड एक ही डायमंड मिला इससे, तो एक मिल गया है लेकिन हम लोगों को 5 डायमंड चाहिए। 2 मिल गया, 3 मिल गया एंड
ओ नो 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 नो। अरे यार यहाँ पे बस 4 ही डायमंड है, मुझे 5 की जरूरत है। उस रामलाल को मुझे 5 डायमंड देने हैं। भाई ये तो पंगा हो गया, अब मुझे फिर से एक बार डायमंड ढूंढना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे मिल चुका है हमें लावा पूल, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ लावा पूल के हमेशा नजदीक में कहीं ना कहीं डायमंड होता है। तो देखते हैं क्या इस बार मेरा लक काम करेगा। ओ इधर तो लगता है बड़ा वाला केव है, चलो एक बार इधर आके देख ही लेता हूँ क्या इधर डायमंड है, क्या तुम लोगों को कहीं पे डायमंड दिख रहा है। अरे यार इस बार वैसा नहीं हुआ, लजुली फजुली है लेकिन डायमंड नहीं है। यार मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया, अब मुझे फिर से डायमंड खोजो। देखा मैंने कहा ना मैं हमेशा सच्ची बोलता हूँ, मुझे पता था लावा पूल के कहीं ना कहीं नजदीक में हमेशा डायमंड होता है। यहाँ पे भी डायमंड मिल गया है मुझे, लेकिन बच के रहना पड़ेगा मुझे थोड़ा यहाँ पे। वैसे तो मुझे 4 ऑलरेडी मिल रखा है, अब बस एक की जरूरत है, लेकिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मना कैसे करूं मैं। तो अब मेरे पास 8 डायमंड हो चुके हैं, अब ना मैं उस रामलाल के चेहरे पे जाके डायमंड मारूंगा। बताओ मुझे अपने बॉडीगार्ड के हाथों उसने मरवा दिया था, ऐसा कौन अपने कस्टमर को ट्रीट करता है। हाँ तो ये देखो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे थोड़ा संभल कर ना पड़ेगा। क्या आप लोग अभी भी गुस्सा हो? देखो मैं चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक करने की कोशिश कर रहा था। क्या ये लोग मुझे अभी भी मारेंगे? मारना मत भाई। ओके ये लोग गुस्सा नहीं है, अब मैं आराम से इस रामलाल से डील कर सकता हूँ। क्यों डायमंड चाहिए तुम्हें? ये लो पकड़ो अपने 5 डायमंड, आपसे डील करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यार इसका क्या बिगड़ जाता अगर ये सारा सामान मुझे फ्री में दे देता। चलो अब यहाँ से सारा सामान कलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से कट लेते हैं। बाय बाय सर जी, आपका सारा सामान मैंने खरीद लिया, मुझे याद रखना। तो गाइज अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैं तुम लोगों को आईफोन बना के दिखाऊंगा। कहाँ गया वो बैंडिंग ट्रेडर, उसी के सामने मैं सारा काम करूंगा। ये देखो ये यहाँ पे पूरे मजे कर रहा है, एंड मैं इस भाई साहब के लिए यहाँ पे ग्राइंड करके आईफोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो इसे आईफोन मिलने से रहा, ये आईफोन मैं ही यूज करूंगा। तो आईफोन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा कस्टम क्राफ्टर, एंड उसके बाद रेसिपी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक बैटरी, एंड ये बैटरी बनेगा कुछ इस तरह। ये देखो ये रहा आईफोन का पहला पार्ट, एंड इसके बाद अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा प्रोसेसर, एंड ये बन गया हमारा प्रोसेसर। ये देखो हमारे आईफोन में लगेगा A14 प्रोसेसर। भाई आईफोन है, कोई ऐसा वैसा प्रोसेसर थोड़ी लगेगा इसमें। एंड बस अब आखिरी चीज बनानी है, वो है PCB, एंड ये बन गया हमारा PCB। ये देखो क्या खतरनाक लग रहा है ये देखने में। देखो ये रहा PCB, क्या देखा है कभी तुम लोगों ने इसे? हाँ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये बंदा। तो सारी चीजें बन चुकी हैं, अब बस आखिरी चीज बनानी है, एंड वो है आईफोन। भाई मुझे इंजीनियर वाली फील आ रही है। तो बॉयज एंड गर्ल्स ये बन गया हमारा आईफोन। तो ये देखो ये रहा हमारा आईफोन, एंड इसमें गलत डेट बता रहा है। देखो नया नया फोन है, सब कुछ टाइम ये सब सेट करना पड़ेगा। तो क्या अब मैं इसे ये आईफोन दूँ? मन तो नहीं है देने का, लेकिन ये लो बात कर लो, जिससे बात करना है कर लो। ओके इसने अपने फैमिली से बात कर लिया है, अब क्या चाहते हो तुम लोग को वो भी मैं सुनाऊं? दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, एंड मैं तुम लोगों को अब आईफोन का दूसरा काम दिखाता हूँ। इसकी मदद से हम लोग माइनक्राफ्ट में बॉडीगार्ड को बुला सकते हैं। ओ भाई ये देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे बॉडीगार्ड आ गए हैं, तो अब मुझे माइनक्राफ्ट में कोई टच भी नहीं कर सकता। रुक जाओ रात होने दो, फिर मैं तुम लोगों को इसका मजा दिखाता हूँ। ये देखो रात हो गई है, अब मैं तुम लोगों को इसका मजा दिखाता हूँ। अरे नहीं 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 भाई भाई भाई, अरे यार ये क्रीपर यहाँ पे कहाँ से आ गया? ये लो तुम मेरे बॉडीगार्ड से पंगा लो। अरे भाई बॉडीगार्ड मुझे बचाओ, किसी काम के नहीं है ये लोग। भाई तुम लोगों को क्रीपर से भी मुझे बचाना चाहिए, हमेशा ये लोग बस ज़ॉम्बीज़ को ही मारते हैं। इससे पंगा लेता हूँ, जाओ मेरे बॉडीगार्ड इसे टपका दो। ओ भाई यार इन लोगों ने तो इसे उछला ही दिया, एक सेकंड में इसका काम तमाम हो गया था। रुक जाओ इधर एक हड्डी है, इससे भी पंगा लेता हूँ, जाओ मेरे बॉडीगार्ड मारो इसे। भाई एक बार में काम तमाम कर दिया इसका। अब इस एंडरमैन की बारी, ये देखो इसे भी उछला उछला के मार रहे हैं ये लोग। भाई ये तो बड़ा मस्त है। तो गाइस यही था आईफोन का कमाल माइनक्राफ्ट में। अगर तुम लोगों को भी आईफोन चाहिए तो अपना किडनी बेच के खरीद लो। मजाक कर रहा हूँ, सच्ची में बेचने मत चले जाना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।